हाँ जी सर, 5 मिनट बनाना सर। नमस्कार। देश की लूटी का कौन हाथ ऊपर किया था? शाबाश, वेरी गुड। और क्या हुआ? बोलो, मेन गेट की लूटी क्या है? बोलो बोलो। तो क्या कर, क्या काम करना पड़ता है मेन गेट के अंदर? इधर ही आप देखो ना, किसका किसका ड्यू है पहले निकाल लो ना। बीच में हो जाए। मेन गेट की ड्यूटी क्या है? मेन गेट की ड्यूटी इस प्रकार है, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी। तो आपका बराबर हो गया, आपका बराबर हो गया। अंदर प्रवेश सेक्मा कंटेनर बोला ना, क्लोज कर दिया ना उसका रूम रेंट के साथ में देना चालू कर दिया। अधिकारी या कर्मचारी जो प्लांट का स्टाफ सब हो गया, उसको कुछ नहीं देना है अभी। जो अधिकारी है ठिकमा कंटेनर की बात कर रहा हूँ, जो प्लांट के स्टाफ वाले उनका भी आए वो हटा दो है। होता है ना, अगर वो आए कार्ड घर में भूल गए या गुम हो गया तो रजिस्टर में वापिस ब्रांच का भी कर दो। उसके बाद अंदर प्रवेश करेगा। हाँ कर दीजिए। ओके सर, कर दीजिए। कॉन्ट्रेक्टर और ठेकेदार का, अरे सीएस वाला कहाँ भरते हैं हम, खाली एक पैक का भरते हैं ना। हाँ उसको भी हटा दो, बिना परमिशन का अंदर प्रवेश। हाँ एक पैक का कर दीजिए। 305 रूम नंबर होगा। आप लोगों को हमेशा याद रखना है, मेन गेट, मेन गेट हमेशा क्लोज रखना है। हाँ मेन गेट हमेशा क्लोज बंद रखना है, वक्त का आने पर, जरूरत पड़ने पर मेन गेट खोला जाएगा। क्लियर कट, सर्चिंग, सर्चिंग तलाशी होती है ना, सर्चिंग और फिशिंग, जिस्म की तलाशी, बॉडी की तलाशी, उनका ब्याग, उनका थैला, उनका झोला, उनका टिफिन आपको चेक करना है। आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव के अंदर एक टिफिन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, कौन जानता है बात, बोलो। टिफिन के अंदर बम रखा था और वहां पर गेट के पास रख दिया था मोटरसाइकिल के अंदर, और इतना बड़ा धमाका हुआ कि हमारे यहाँ पर जितने लोग थे वो सब मर जाएंगे। वहाँ पर मस्जिद के अंदर, एक मुसलमान की मस्जिद के अंदर शुक्रवार का टाइम था। मैं फोन करता हूँ मैं आपको। टिफिन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, सारे लोग मर गए थे। उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी लोग, आईपीएस अधिकारी लोग जेल में चले गए थे। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। आपका काम बनता है नम्रता और प्रेम से आपको काम करना है। किसी को दादा गिरी करके और किसी को डरा धमका के कार्य नहीं करना है। कोई भी आता है उसको नम्रता से चेकिंग करो। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी चेकिंग कर रहे हो। इस बात का ख्याल रखना है। सदन कौन ऐसा व्यक्ति है जो सचिंग और फिटिंग करेगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जिसको सचिंग और फिटिंग करना आता है वो हाथ ऊपर करो, सावधान होके। सचिंग और फिटिंग, जिस्म की तलाशी, बॉडी की तलाशी आपको अच्छी तरह लेना है। आप अभी क्या करना है, एक कदम आगे लेके आपको सलूट करना है। ये सब 5 मिनट का आना है, ग्रुप में जाएंगे नहीं, इधर मुँह करो। आपको मैं कॉन्ट्रेक्टर का आदमी हूँ। मैं कौन है? कॉन्ट्रेक्टर का, ठेकेदार का आदमी है। मैं अंदर में काम के लिए जा रहा हूं। मैं आपके गेट पर आया। आप मेरी कौन है बोलो, बाद में बात करो। हेलो, तलाशी लेते वक्त किसी से डरना नहीं, तलाशी लेते वक्त किसी से डरना नहीं और किसी से बहस मारी बातचीत नहीं करना है। और तलाशी लेते वक्त शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके हो गया क्या? बोलो बोलो क्या निकालू? अच्छा ये, हाँ इन्होंने एक बम पकड़ लिया मेरा। इस गाड़ी
ये बम, वेरी गुड।